பள்ளி செல்லுதல். ज्ञान, अनुशासन और शिक्षा हासिल करने के लिए आज हर एक बच्चे को स्कूल जाना बहुत जरूरी है। गेट या दरवाजा। दरवाजा सुरक्षितता का प्रतीक है। जब दरवाजे को बंद करके ताला लगाया जाता है, तब बच्चे स्कूल छोड़के बाहर नहीं जा सकते। स्कूल बैग। हर बच्चे के पास एक स्कूल बैग होती है। स्कूल बैग में हम हमारी किताबें या अन्य सामान रखते हैं जो हमें स्कूल में काम आता है। स्कूल बस। बच्चों को घर से स्कूल छोड़ने के लिए तथा उनको स्कूल खत्म होने के बाद घर छोड़ने के लिए जो वाहन उपयोग में लाया जाता है, उसे स्कूल बस कहते हैं। स्कूल का थैला। स्कूल जाने वाले हर बच्चे के साथ एक थैला होता है। उसके अंदर खाने का डिब्बा, पानी की बोतल और शाम के खाने का डिब्बा और तौलिया भी होता है। पहरेदार। पहरेदार स्कूल के दरवाजे पर खड़ा होता है। उसका काम स्कूल की जायदाद पर नजर रखना है। कई बार वो बच्चों को सड़क पार करने के लिए भी मदद करता है। साइकिल रिक्शा। साइकिल रिक्शा एक तीन पहिए वाला वाहन होता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा तीन लोग बैठ सकते हैं। कई छोटे शहरों में बच्चों को स्कूल छोड़ने और ले आने के लिए ये एक महत्वपूर्ण वाहन है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग। सुरक्षित सड़क पार करने के लिए कई जगह सड़क पर सफेद रंग के पट्टे ओढ़ लिए जाते हैं, जिसे ज़ेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। हमेशा स्कूल के नजदीक ज़ेब्रा क्रॉसिंग होता है, जिससे छोटे बच्चे आसानी से सड़क पार कर सकें। गतिरोधक। रास्ते से गुजरने वाले वाहनों की गति कम करने के लिए सड़क पर गतिरोधक लगाए जाते हैं। हमेशा स्कूल के नजदीक गतिरोधक होते हैं, ताकि वाहनों की गति भी कम रहे और बच्चे आसानी से सड़क पार कर सकें। पानी की बोतल। स्कूल जाने वाले बच्चे हमेशा अपने साथ पानी की बोतल रखते हैं, जिसमें घर से वो पीने का पानी भर कर लाते हैं। सफाई वाला। स्कूल, कॉलेज या किसी भी संस्था में सफाई वाले होते हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है उस जगह को साफ रखना। सफाई वाले झाड़ू से कचरा साफ करते हैं तथा ब्रश से औषधि दवाइयों के साथ फर्श भी साफ करते हैं। पढ़िकुम नेरम। हर बच्चे को रोज पढ़ाई करनी चाहिए। स्कूल में सिखाए गए पाठों को फिर से एक बार दोहराना चाहिए। पेंसिल। पेंसिल से कागज पर चित्र निकाले जाते हैं या फिर पाठ लिखे जाते हैं। मेज। मेज एक छोटा सा टेबल होता है, जिसमें किताबें और अन्य साहित्य रखने के लिए जगह होती है। बच्चों की पढ़ाई के लिए मेज बहुत उपयोगी वस्तु है। ग्लोब या पृथ्वी का गोलक। पृथ्वी के गोलक पर पृथ्वी का नक्शा होता है। इसके उपयोग से हम किसी भी स्थान को आसानी से ढूंढ सकते हैं। बच्चों को भूगोल सिखाने के लिए और संसार की खोज करने के लिए
ये एक उपयुक्त साधन है। डस्टर या झाड़न। स्कूल में ब्लैकबोर्ड साफ करने के लिए शिक्षक झाड़न या डस्टर का उपयोग करते हैं। चौक या खड़ियाँ। खड़ियाँ चुन खड़ी से बनाई जाती हैं। सामान्यतः ये सफेद रंग की होती हैं और काले बोर्ड पर लिखने के लिए इसे उपयोग में लाया जाता है। ब्लैकबोर्ड या श्यामपट। ब्लैकबोर्ड या श्यामपट अध्यापकों के लिए एक बहुत ही उपयुक्त साधन है। इस पर लिखकर या चित्र निकालकर वे बच्चों को कोई भी विषय सिखा सकते हैं। शिक्षक या अध्यापक। शिक्षक उच्च शिक्षा प्राप्त ऐसे लोग होते हैं जो स्कूल में या कॉलेजेस में बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको ज्ञात विषयों का ज्ञान वो बच्चों तक पहुंचाते हैं। विद्यार्थी। किसी भी विषय का ज्ञान हासिल करने के लिए स्कूल या अन्य संस्था में जाने वाले बच्चों को विद्यार्थी कहते हैं। विद्यार्थी अलग अलग विषय, नीति के पाठ तथा अनुशासन सीखते हैं। अंकों का तख्ता। विद्यार्थियों को अंक सिखाने के लिए शिक्षक अंकों के तख्ते का उपयोग करते हैं। इस पर अंक लिखे होते हैं। नोटबुक। नोटबुक में अनेक कोरे या रेखांकित कागज एक साथ मिलाकर उसके ऊपर और नीचे कार्डबोर्ड लगाया जाता है। इसका उपयोग लिखने के लिए किया जाता है। வீட்டில் விளையாடும் விளையாட்டுகள். हर बच्चे को अपना कुछ समय घर के अंदर खेलने में बिताना चाहिए। इससे उन्हें बहुत आनंद मिलता है। उनकी सृजनशीलता और सोच समझ बढ़ती है। इससे विश्लेषण शक्ति को भी चालना मिलती है। रंग की ट्यूब। रंग की ट्यूब में अलग अलग रंग होते हैं। इनका उपयोग चित्रों में रंग भरने के लिए किया जाता है। पैलेट या रंगों की तश्तरी। रंग के ट्यूब से रंग निकालकर उन्हें एकत्रित करने के लिए पैलेट या रंगों की तश्तरी का उपयोग होता है। कूची। कूची से पैलेट से रंग निकालकर उन्हें चित्र में भरा जाता है। कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड एक घर के अंदर खेलने वाला खेल है। ये एक लकड़ी का बोर्ड होता है जिस पर स्ट्राइकर के साथ हम लकड़ी के सिक्कों से खेलते हैं। इसका उपयोग एकाग्रता बढ़ाने में होता है। कैरम के सिक्के। कैरम बोर्ड पर सिक्कों के साथ खेला जाता है। 9 सिक्के सफेद रंग के और 9 काले रंग के होते हैं। उनके साथ एक लाल रंग का भी सिक्का होता है। स्ट्राइकर से कैरम बोर्ड पर सिक्कों से खेला जाता है। शतरंज। शतरंज में बुद्धि का सर्वाधिक उपयोग होता है। शतरंज के खेल में सामने वाले खिलाड़ी के राजा को कैद किया जाता है। शतरंज के मोहरे। अनेक प्रकार के सैनिक शतरंज के मोहरों के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसमें घोड़ा, हाथी, ऊंट, राजा, वजीर और सामान्य सैनिक होते हैं। शतरंज में 16 सफेद और 16 काले रंग के मोहरे होते हैं। पहेलियों का बोर्ड। इस बोर्ड पर खेलने से
पहेलियां बुझाना और कठिन समय में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। पहेलियों के कार्ड्स या पत्ते। पहेलियों का खेल खेलने के लिए पहेलियों के पत्ते चाहिए। पहेली का खेल खेलने से बच्चों की सूझबूझ और निर्णय क्षमता भारी मात्रा में बढ़ती है। पहेलियों के पत्तों पर एक बाजू पहेली और सामान्यतः दूसरी बाजू उसका उत्तर होता है। फांसा। एक घनाकृति के 6 बाजुओं पर 1 से 6 तक अंक होते हैं। इसका उपयोग हम अनेक तरह के खेल खेलने के लिए करते हैं।